अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने YouTube वीडियोस के लिए थंबनेल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानत। सबसे पहले आपने अपने Google Chrome को ओपन कर लेना है। इसको ओपन कर लेने के बाद आपने अपने Google Chrome के सर्च बार में टाइप करना है कैनवा, canva.com। इसको आपने टाइप कर लेना है। टाइप कर लेने के बाद आपने इसको सर्च कर लेना है। सर्च कर लेने के बाद ये आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा। इसको इस्तेमाल करने से पहले आपने यहाँ पर इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूँगा YouTube, thumbnail, यहाँ से मैं इसको सर्च करूंगा। जब मैं YouTube थंबनेल पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने कुछ इस तरह के थंबनेल आपको नजर आएंगे। कुछ पैड हैं और कुछ फ्री में हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से डिफरेंट किस्म के आपके सामने थंबनेल आपको नजर आ रहे हैं। बिना कोई टाइम जाया किए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको एडिट कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं इस थंबनेल को चूज कर लेता हूँ। इसको चूज कर लेने के बाद अब मैं इसको मतलब जिस तरह से एक मिसाल है इसको मैं जिस तरह से एडिट करूँगा वो मैं आपको भी बता देता हूँ। यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक कर लेने के बाद आप यहाँ पे आप मतलब आपकी वीडियो जिस बारे में भी है आप उसी तरह से आप इसको जनरेट कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे मैं मतलब टाइप कर लेता हूँ मिसाल है मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ एक मिसाल है इस तरह से आप अपने इमेज मतलब आप इस तरह से आप थंबनेल जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको जैसे ये है इसको मैंने सेलेक्ट किया। आप इसको इसका मतलब साइज आप कम भी कर सकते हैं। आप इससे यहाँ से आप इसको कम कर सकते हैं। जितना आप चाहें उतना आप कर सकते हैं कम इसको मतलब अच्छा बनाने के लिए। ये मिसाल इसको मैंने अब एडजस्ट करना है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ इसको अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। इसको मैं काम करना चाहता हूँ तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको इसका बेटर भी चेंज कर सकता हूँ। मतलब अगर इसका मैं मतलब फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा। यहाँ पे क्लिक कर लेने के बाद इसका मैं फॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ। ये देखें इस तरह से इसका फॉन्ट भी मैं चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए आपके सामने हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा और खूबसूरत बनाने के लिए मैं यहाँ इसका मैं मतलब थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँगा। इसका कलर मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये भी ठीक नहीं है, ये भी कुछ सही नहीं है, ये भी यहाँ से नहीं, ये भी नहीं। यहाँ से मैं डिफरेंट किस्म के कलर को ये मतलब सेलेक्ट कर सकता हूँ। सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे जनरेट करवा सकता हूँ। ये देखें यहाँ पे नहीं, ये कुछ भी नहीं।
ये भी नहीं, कुछ भी स्थिति नजर। अगर मुझे यहाँ से कोई कलर पसंद नहीं आता तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लिक कर लेने के बाद मैं यहाँ पे ये देखते हैं, अगर यहाँ पे कुछ पसंद नहीं आ रहा तो ये देखते हैं यहाँ से मैं, और फिर भी मुझे मसाले पसंद नहीं आ रहा तो मैं इसको बात ठीक है। ये देखें इस तरह से आप अपने थंबनेल को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से आप थोड़ा सा मतलब यहाँ पर जब आप एलिमेंट्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आप डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मतलब ये देखें यहाँ पे मसाल मैं एक लिख लेता हूँ, यहाँ पे यूट्यूब, यहाँ पे मैं मसाल लिख लिया मैंने। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ ये देखें यूट्यूब का लोगो यहाँ पे आ गया, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगा। ये देखें इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा, यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ, अगर मैं कुछ और देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे आपने सी आर पे सिलेक्ट क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप सिलेक्ट सी आर पे क्लिक करके यहाँ पे आप कुछ और लोगो भी मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला कर लिया, इसको मैंने यहाँ पे इसको छोटा कर लेता हूँ। इसको छोटा कर लेने के बाद यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पे मैं इसको रख लूँगा। अगर मिसाल मैं कुछ और यहाँ से कुछ और सर्च करना चाहता हूँ, जैसे वाओ वाओ एक्सप्रेशन, वाओ एक्सप्रेशन यहाँ पे मैं थोड़ा सा सर्च कर लूँगा। ये देखें आपके सामने कुछ इस तरह से इमेजेस जनरेट हो जाएं, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपके सामने ग्राफिक नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ से कोई भी, आप यहाँ से किसी को भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आप चाहें वहाँ यहाँ से जो आपको तो मतलब पसंद है आप उसको तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने किस तरह की इमेजेज आपके सामने जनरेट, यहाँ जैसे इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। आप यहाँ पे इसको यहाँ पे रख सकते हैं। ये देखें ये थोड़ा सा दिलचस्प नज़र आ रहा है। यहाँ आप पे अगर आप कुछ और मतलब सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आपने वो सिलेक्ट करने हैं जो फ्री में है, जैसे ये फ्री नहीं है ये पेड है। इसको आप जब आप पेड करेंगे फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, इसलिए हम जहाँ पे ये लोगो नहीं होगा उसको हमने सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि वो फ्री है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको मैं थोड़ा सा छोड़ इसको मैं वैसे हटा देता हूँ। ये देखिए इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ से एक थंबनेल को जनरेट करवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप तो आप मुझसे भी अच्छी तरह मुझसे भी अच्छे मतलब थंबनेल जनरेट करवा सकते हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए मतलब वीडियो बनाई है। आप इससे भी अच्छे अपनी मर्जी के थंबनेल क्रिएट करवा सकते हैं। ये देखते हैं इसको मिसाल है, ये देखते हैं मैंने इसको क्रिएट कर लिया। ये कुछ मतलब कुछ ठीक नज़र आ रहा है मुझे। अब बस यहाँ से मैं कुछ और नहीं ऐड करूँगा। यहाँ से जैसे जैसे मैं ये सर्च कर लेता हूँ, ये देखिए आपके सामने कुछ इस तरह की, आप जो भी चाहें आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं अपनी मर्जी से यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने थंबनेल में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने थंबनेल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको तो ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली सब नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताना भूल गया, वो ये है कि आप इसको जिस
इस तरह से आप इसको इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। आपने थंबनेल तो बना लिया, अब आप इसको मतलब किस तरह से आप इसको मतलब जनरेट किस तरह करवा सकते हैं, मतलब अपने फाइल में किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें, आपने यहाँ पे शेयर वाला ऑप्शन है, आपने इसको क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक कर लेने के बाद आपने यहाँ नीचे आना है। ये देखें आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। क्योंकि आपने यहाँ पे फिर आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज दी हुई हैं, जिस कैटेगरी में आप डाउनलोड करना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। क्योंकि हमने इसको अपने वीडियो के थंबनेल के लिए इस्तेमाल करना है, इसलिए हम इसको इमेज के लिए हम इसको क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं PNG पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये देखिए इमेज में क्रिएट हो जाएगी। ये थोड़ा सा डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा।